हम लोग विद्युत धारा जो चैप्टर है, विद्युत धारा चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। विद्युत धारा चैप्टर जो चैप्टर के क्वेश्चन है, चैप्टर का जो टॉपिक है, विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझना है। देखिए, हम विद्युत धारा को तब आसानी से समझ सकते हैं जब आवेश को समझा जाए। आवेश क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है जिसको आवेश बोलते हैं, चार्ज क्या होता है, इसके बारे में अगर जानकारी हो तब हम विद्युत धारा को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, विद्युत धारा का उपयोग करके हम लोग बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है, इलेक्ट्रिक जितने सारे अप्लायंस होते हैं, बिजली से चलने वाले जितने सारे उपकरण होते हैं, और सब में विद्युत धारा का उपयोग होता है। मतलब विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा एक ऐसा स्रोत है जिसे हम इकोनॉमिक को और सोर्सफुल, इकोनॉमिकली सोर्सफुल बनाया जा सकता है विद्युत धारा के माध्यम से। यानी आर्थिक दृष्टि से हम और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं अगर विद्युत है, इलेक्ट्रिक है, तब इलेक्ट्रिक के माध्यम से हम और ज़्यादा सोर्सफुल हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि आवेश क्या होता है। पहला नंबर यही जानना है कि आवेश क्या होता है, क्योंकि आवेश जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम विद्युत धारा के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो आवेश, पहले नंबर ये जानना है कि आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है। आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा का संवहन होता है, विद्युत धारा का ट्रांसमिशन होता है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का, किसी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, आवेश समझ में आया? आवेश क्या है? आवेश भौतिक गुण है, पदार्थ का भौतिक गुण, भौतिक गुण जिसके कारण क्या होता है, कारण उस पदार्थ में विद्युत धारा का संवहन होता है, विद्युत धारा का संवहन होता है, या दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए संवहन होता है। दूसरे शब्द में क्या कहा जाए? आवेश को, आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब ये बात समझना है कि ये अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर मान लीजिए ये बैटरी है, बैटरी का यहाँ पे कौन सा प्लस है, प्लस वाला सिरा है, यहाँ पे माइनस वाला ऋण ध्रुव है। जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की तरफ होगा, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जो विद्युत धारा होगी, इलेक्ट्रिक करेंट होगा, ये प्लस से माइनस की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक करेंट यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा किस तरफ होगा, ये प्लस से माइनस की तरफ, धन ध्रुव से लेकर ऋण ध्रुव की तरफ इलेक्ट्रिक करेंट विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब जो आवेश हम लोग पढ़े कि आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आवेश जो होता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आवेश का टाइप कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। टाइप ऑफ चार्ज दो प्रकार का, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। हिंदी में अगर कहें तो इसको धन आवेश कहा जाता है, इसको ऋण आवेश कहा जाता है। अब एक कहानी समझते हैं, एक तथ्य समझते हैं, जिस क्यों किसी कोई जो पदार्थ होता है, कोई पदार्थ कोई धनात्मक कैसे हो जाता है, कोई पदार्थ ऋणात्मक कैसे हो जाता है, ये कैसे होता है। चलिए इस बात को समझा जाए। देखिए, जितने सारे पदार्थ होते हैं, जितने सारे सब्सटेंस होते हैं, सब में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान संख्या में पाए जाते हैं। जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान पाई जाती है तो जो प्रोटॉन होता है उस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब होता क्या है कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में आता है,
संपर्क में आता है तो होता क्या है कि उसके जो अब ये उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में क्यों जाते हैं? रीजन ये है जानने का कि प्रोटॉन जो होता है एक मजबूत बल द्वारा, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा नाभिक जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के नज़दीक बंधा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाहर, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बाहर कई सारे कक्षकों में जो कई सारे ऑर्बिट होते हैं ऑर्बिट में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में पाया जाता है जिसको 2n² फार्मूला से हम लोग सजाते हैं, तो ये ऑर्बिट में पाया जाता है। जो लास्ट ऑर्बिट जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन कहाँ होगा, यहाँ पे प्रोटॉन कहाँ होगा, अंदर नाभिक के पास। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बल होता है इसके तुलना में यहाँ पे मजबूत होता है, यहाँ पे कमजोर होता है, इसके तुलना में ये वाला कमजोर होता है। सबसे बाहर के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कमजोर बल द्वारा बंधे होते हैं, और ये कमजोर बल द्वारा बंधे होने के कारण इनमें एक प्रवृत्ति होती है कि ये स्वतंत्र होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक आ जा सकते हैं, यानी घूमने की इनमें भी प्रवृत्ति होती है, ये घूम सकते हैं। तो उदाहरण आता है कि अगर एक शीशा की छड़ को अगर रेशम के धागा से रगड़ा जाए तो शीशा के छड़ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकल के चल जाते हैं कहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं किसके पास, रेशम की धागा के पास। और रेशम की धागा के पास जाके अब ये बताइए कि प्लस जितना नंबर में था उतना नंबर में माइनस था, जितना नंबर में प्रोटॉन था उतना नंबर में इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का नंबर कुछ निकल के चला गया किसके पास, किसके पास, यहाँ रेशम का धागा है, सिल्क का धागा है यहाँ पे, इसके पास चल गया। तो यहाँ पे प्लस की संख्या बढ़ गई माइनस की संख्या कम हो गई, इस वजह से ये जो पदार्थ होता है वो पदार्थ कौन सा, शीशा वाला, शीशा का जो छड़ होता है ये पॉजिटिव हो जाता है और ये वाला नेगेटिव हो जाता है। एक पॉजिटिव जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो उसको निगेटिव बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, जहाँ पे ऋण आवेश जाएगा वो उसको क्या कर देगा, ऋण आवेशित कर देगा, और जहाँ से ऋण आवेश निकलेगा वो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, धन आवेशित कर देगा। तो यही कारण होता है कि जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है, जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ेंगे तो क्या होता है, जिस पदार्थ से रगड़ा जाता है वो ऋणात्मक आवेश उस पर चढ़ जाता है, और जिस पदार्थ को रगड़ा जाता है उस पर क्या हो जाता है, धनात्मक आवेश हो जाता है। ये बात समझिएगा, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश किस प्रकार से होते हैं। अब जो होता है, जो आवेश होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश जो होते हैं दो प्रकार के, एक धन आवेश ऋणावेश हम लोग समझे, लेकिन आवेश में एक और प्रकार होता है, एक अलग टाइप होता है जिसको सेम चार्ज कहा जाता है, इक्वल चार्ज। एगो अनइक्वल चार्ज, एक समान आवेश एक असमान आवेश, ये क्या है, समान आवेश, ये क्या है, असमान आवेश। कब किसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि ये प्लस है, प्लस वाला दूसरा आवेश है तो ये समान आवेश है, माइनस है तो माइनस वाला आवेश है तो ये समान आवेश है, एगो प्लस है एगो माइनस है तो असमान है, माइनस है प्लस है असमान है, अलग अलग प्रकार के अगर आवेश हैं तो वो क्या है, असमान आवेश है, अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो वो समान आवेश है। तो यहाँ से आवेश के कुछ गुण होते हैं, आवेश के गुण, आवेश की प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या होता है, आवेश के गुण, पहला गुण यह होता है कि जो आवेश होते हैं समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सॉरी प्रतिकर्षित करते हैं। सेम चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, REPEL, रिपेल मतलब प्रतिकर्षित, एक दूसरे से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है अगर समान आवेश है तो। लेकिन अनइक्वल चार्ज है मतलब दोनों समान नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है,
उसी स्थिति में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पहला गुण ये है आवेश का। ये दूसरा गुण क्या है कि आवेश जो होते हैं, आवेश को हम अल्जेब्रिकली बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि अल्जेब्रिकली सम होता है, अल्जेब्रिकली सम किया जा सकता है आवेश का। जैसे मान लीजिए कि तीन गो वस्तु हैं, तीन गो पदार्थ है, तीन सब्सटेंस है, जिन पर एक पर 3 कूलाम आवेश है, दूसरा पर 5 कूलाम है, तीसरा पर -4 3 कूलाम है। तो टोटल आवेश कितना होगा, 3 5 8, 8 में से 3 गया 5, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 5 कूलाम हो जाएगा। टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 5 कूलाम हो जाएगा। अल्जेब्रिकली इनको जोड़ा जा सकता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सबको जोड़ के जिस तरह जो आएगा अल्जेब्रिकली सम किया जा सकता है आवेश का। और तीसरा जो गुण होता है आवेश का, वो ये होता है कि आवेश का क्वांटमीकरण किया जा सकता है, आवेश का क्वांटमाइज किया जा सकता है। आवेश का क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण किया जा सकता है। यहां से फॉर्मूला आता है q बराबर ne, ne मतलब n जो है संख्या है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई को लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। और कूलाम क्यों, आवेश का चूंकि मात्रक आवेश को क्यू से दर्शाया जाता है, कथी से, क्यू से दर्शाया जाता है, बड़का क्यू होता है या छोटका क्यू होता है, दोनों में से क्यू होता है। आवेश का जो मात्रक होता है, मात्रक उसको कूलाम बोलते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसको सी से दर्शाया जाता है। आवेश के मात्रक को कूलाम को किससे दर्शाया जाता है, सी से दर्शाया जाता है। और इसी में जो कई सारे मात्रक होते हैं, इसके छोटे मात्रक मिली कूलाम होता है, माइक्रो कूलाम होता है, मिली कूलाम एक होता है, एक माइक्रो कूलाम होता है, माइक्रो कूलाम होता है। तो मिली कूलाम जो होगा 10⁻³ कूलाम के बराबर, ये 10⁻⁶ कूलाम के बराबर, मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम होता है। फिर आगे समझते हैं, अब जो आवेश जब हम लोग समझ लिए, तो समझना क्या है कि अब समझना है, जैसे एक एग्जांपल समझा जाए, क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, संख्या कितनी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, q बराबर ne, क्यू का वैल्यू कितना है 1 कूलाम, बराबर ne का वैल्यू कितना होगा, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, ये गुना में है, n का वैल्यू नंबर निकालना है, 1/2 ये गुना में है, बराबर किस तरफ आएगा, भागा में हो जाएगा 10⁻¹⁹। ये चूंकि इन्वर्स होता है, ऊपर जाता है तो इन्वर्स माइनस जो होता है हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻¹⁹ / 1.6, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, यहाँ से एक 10 और ले लेंगे तो 10 × 10 × 10⁻¹⁹, एक 10 को 19 को 10 था, एक 10 यहाँ से निकल के 18 को 10 हुआ, यहाँ 16, तो 100 हो गया, 100 में 16 से भागा देंगे, 10⁻¹⁹, 16×96 440, 16×32 88, 16×5 80, कितना होगा, 6.25 × 10⁻¹⁹, इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होगी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग को ये समझना है कि विद्युत धारा किसे कहा जाता है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझना है। विद्युत धारा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा में होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझा जाए। जैसे में एक जो नदी होती है, नदी में जिस तरीके से पानी बहता है, नदी में पानी होता है तो पानी के बहाव को, वाटर के बहाव को जिस प्रकार से
वाटर करंट कहा जाता है, जल के बहाव को जिस प्रकार से जल धारा कहा जाता है उसी प्रकार से अगर किसी चालक में आवेश का प्रवाह हो तो उस आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, उस आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आया, किसे कहते हैं विद्युत धारा? जिस प्रकार किसी नदी में अगर पानी बहता है तो उसको पानी धारा यानी जल धारा कहा जाता है, उसी प्रकार अगर किसी सुचालक है, चालक है, तो उसमें अगर आवेश का प्रवाह होता है, पानी का नहीं है, आवेश का अगर प्रवाह होता है तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का जो परिभाषा होता है, विद्युत धारा का परिभाषा आता है आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब दर किसे निकाला जाता है? दर जब भी निकाला जाता है समय के सापेक्ष में निकाला जाता है, समय के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो यानी विद्युत धारा को I से दर्शाया जाता है, I से, और I बराबर क्या हो जाएगा, आवेश के प्रवाह, आवेश को क्यों से दर्शाते हैं, और दर जो निकाला जाता है तो जब भी निकाला जाता है तो समय के सापेक्ष में देखा जाता है, यानी I बराबर क्यू बटा टी। विद्युत धारा का अगर परिभाषा लिखा जाए तो विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I आवेश यानी Q, और समय से भाग देंगे तब दर निकलेगा, तो टाइम से भाग दे रही Q बटा T, ये फॉर्मूला हुआ। विद्युत धारा को I से डिनोट किया जाता है। और विद्युत धारा से एक और चीज़ यहाँ पे जानना है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या बोलते हैं, एम्पियर बोला जाता है। इस एम्पियर को ए से भी डिनोट किया जाता है, इस एम्पियर को कैसे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। जैसे मात्रक के बारे में अगर देखते हैं तो आई का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, और क्यू आवेश का क्या मात्रक हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर किसी कोई सुचालक है, कोई तार है जिसमें एक कूलाम आवेश, एक यहाँ पे कूलाम, अगर कूलाम जो है एक कूलाम आवेश हो जाए, अगर समय जो है, टाइम जो है वो एक सेकेंड हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एम्पियर आ जाएगा। एक एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, एक एम्पियर बराबर क्या कहेंगे, एक कूलाम बटा एक सेकेंड, मतलब एक कूलाम, एक एम्पियर का मतलब कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड कह सकते हैं या कूलाम सेकेंड इन्वर्स कह सकते हैं, ठीक है। एक एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ, एक एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं, अगर एक कूलाम आवेश किसी चालक के जो अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट की लंबाई है, उसमें अगर एक कूलाम आवेश एक सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसे क्या कहा जाता है, एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक एम्पियर की विद्युत धारा का परिभाषा जो है, परिभाषा आप समझ गए होंगे, परिभाषा क्या होता है, ठीक है। एक यहाँ से एक क्वेश्चन देखा जाए, एक क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई चालक है, अगर किसी चालक पर दो सेकेंड में तीन कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तीन कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा ज्ञात करें, क्या, तो विद्युत धारा ज्ञात करें विद्युत धारा कितना बह रहा है ज्ञात करें। तो विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट किया जाता है विद्युत धारा को, यानी I बराबर क्या होता है, फॉर्मूला Q बटा T, Q यानी आवेश यानी कितना, तीन कूलाम, समय कितना है, दो सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 3/2 करेंगे तो 1.5 एम्पियर आ जाएगा, 1.5 एम्पियर कहिए या 1.5 कूलाम प्रति सेकेंड कहिए, दोनों में से कोई जो ऑप्शन में है वो आंसर होगा। तो इस तरीके से विद्युत धारा निकालते हैं। अब विद्युत धारा निकालने के बाद हम लोग ओम के नियम के तरफ समझते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है। ओम के नियम के पहले हम लोग विभव, जो
विभव के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? विद्युत विभव, विद्युत विभव। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। अब इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का परिभाषा क्या है, कैसे विद्युत विभव को समझेंगे, समझना है, समझना है, ध्यान से देखिएगा। करना क्या है कि मान लेना है कि यहां पे कोई विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए कोई आवेश है, आवेश का प्रभाव जिस क्षेत्र तक पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। यहां पे प्लस आवेश है, इसका प्रभाव या इस क्षेत्र तक पड़ा तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक एरिया, विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। अगर किसी आवेश को, अगर किसी आवेश को अनंत से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में अगर W वर्क काम करना पड़े, W कार्य करना पड़े, तो उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो क्या कहा जाएगा? उसे विद्युत विभव कहा जाएगा। अगर किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में अगर अगर किसी ये आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में W कार्य करना पड़े तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को V से डिनोट किया जाता है। V बराबर क्या होता है? W बटा क्यू। V बराबर क्या होता है? W बटा क्यू, ठीक है। W क्या है? वर्क है। और Q क्या है? आवेश है। तो यहां से विद्युत विभव का हम लोग फॉर्मूला निकालें। और जो विद्युत विभव होता है इसका जो मात्रक होता है, मात्रक यूनिट कहिए, मात्रक यानी यूनिट, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट, वोल्ट, VOLT, वोल्ट होता है। तो अगर अब बात है कि यहां से देखिए विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। और वर्क क्या क्या मात्रक होता है? जूल होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगर एक वोल्ट किसे कहा जाएगा? एक वोल्ट किसे कहा जाएगा? अगर मान लीजिए कि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में एक जूल कार्य करना पड़े, अगर एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में, इलेक्ट्रिक एरिया में लाने में उसको एक जूल वर्क करना पड़े तो उसे क्या कहेंगे? एक वोल्ट कहेंगे। एक वोल्ट क्या कहेंगे? एक वोल्ट बराबर क्या होगा? अगर किसी एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को, अगर एक कूलाम आवेश को अनंत से, इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक एरिया में लाने में अगर एक जूल कार्य करना पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? एक वोल्ट कहते हैं। यहां तक विद्युत विभव क्लियर है? और विद्युत विभव के बाद एक विभवांतर होता है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को समझा जाए, विभवांतर। हिंदी में विभवांतर कहते हैं, विभवांतर। इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? मान लीजिए कि दो क्षेत्र है, यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, और इस बी बिंदु से ए बिंदु तक मान लीजिए कि कोई कूलाम आवेश है, किसी कोई सी आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य और आवेश का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को विभवांतर कहा जाता है। यानी विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा अंतर है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है कि जो आवेश होता है आवेश को अनंत से लाया जाता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, एक बिंदु दोनों बिंदु पता होता है, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में, इसको जो यहाँ से यहाँ तक लाने में, किसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, विभवांतर कहा जाता है। इसे भी इसे डेल्टा वी से दर्शाया जाता है, और डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, वी वी माइनस वी ए, वी वी माइनस वी ए, यानी यहाँ का जो विभवांतर विभव है और यहाँ का जो विभव है, दोनों विभव के अंतर का विभवांतर हो जाएगा। और इसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है, डब्लू बटा क्यू, जो विभव का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला इसका भी होता है, इसका विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है। और यहाँ पे जो विभव और विभवांतर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक माइनर सा अंतर है, इस अंतर को समझना क्या है, इस अंतर को क्या समझना है कि विभव जो होता है, विभव क्या होता है, विभव को कहाँ से लाया जाता है, अनंत से। विभव में आवेश को कहाँ से लाया जाता है, अनंत से लाया जाता है। और विभवांतर में एक निश्चित जगह होता है, जो जगह पता होता है कहाँ से लेके आना है, इस बिंदु से इस बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, दूसरे बिंदु पर विभव जो होता है उसमें से पहले बिंदु पर जो विभव होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका माइनस कर देते हैं तो विभवांतर निकल जाता है। अगर विभव दिया है तो केवल माइनस कर देंगे, अगर वर्क और आवेश दिया हो, चार्ज दिया हो, तो उस स्थिति में हम लोग W बटा Q करके यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब यहाँ से एक ये बात जब क्लियर समझ में आ गई तो इसके बाद ओम नियम, ओम स्लाब पढ़ने को आता है, ओम का नियम। ओम का नियम जो है ये विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच क्या संबंध होता है, इस संबंध को उजागर करता है। संबंध को दर्शाने वाला कौन सा नियम है, ओम का नियम कहता है कि किसके बीच संबंध बताता है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट किसके बीच, एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच संबंध बताता है। क्या बताता, ओम का नियम कहता है किसी चालक में, किसी चालक के जो लंबाई होती है उस लंबाई में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि तापमान और अन्य भौतिक अवस्थाएं समान रहे। क्या कहता है कि किसी चालक में विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यदि तापमान एवं अन्य भौतिक अवस्थाएं सामान्य रहे। यदि तापमान एवं अन्य भौतिक अवस्थाएं सामान्य रहे तो जो विभवांतर होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी जो होता है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, इलेक्ट्रिक करंट के, यानी वी जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई, यानी वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। आर क्या है, आर यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, आर कांस्टेंट है, जिसको नियतांक हिंदी में बोला जाता है। और यही आर क्या है, इसी आर को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, इसी आर को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है, इसी प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहा जाता है, रेसिस्टेंस। इसी प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस कहा जाता है। अब चलिएगा, ये जो ये वाला फार्मूला जरूर याद रखिए, वी बराबर आई आर। और यहाँ से अब प्रतिरोध का बात आया, जो यहाँ पे नियतांक है वहीं प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध क्यों होता है, रेसिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टेंस एंड व्हाई रेसिस्टेंस इज हैपेंड, मतलब रेसिस्टेंस का कारण क्या है और रेसिस्टेंस क्या है,
कारण क्या है, क्या कारण होता है और रेसिस्टेंस है तो क्या है। ओम के नियम से हम लोग निकाले हैं भी बराबर आई आर, तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई है। यानी यहाँ से रेसिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का फार्मूला है, प्रतिरोध का फार्मूला पता हो गया कि विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध को ही रेसिस्टेंस कहा जाता है, रेसिस्टेंस कहा जाता है। और इसे आर से दर्शाया जाता है, इसे किसे दर्शाया जाता है, आर से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे आर बराबर क्या फार्मूला, क्या अगर प्रतिरोध का परिभाषा देने को कहेगा तो प्रतिरोध का क्या परिभाषा देंगे, प्रतिरोध का परिभाषा दिया जाएगा कि विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध होता क्यों है, प्रतिरोध होता क्यों है, देखिए जब कोई चालक है तो चालक में जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है और इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और जो उस पदार्थ का अणु होता है कभी कभार एक दूसरे से लड़ जाते हैं, आपस में कोलाइड हो जाते हैं, और कोलाइड होने की वजह से उनके जो गति होता है, उनका जो मोशन होता है, उस मोशन में थोड़ा सा एक तरीके से कहिए रेसिस्टेंस आ जाता है, प्रतिरोध आ जाता है। तो उसी के कारण, उस टकराव के कारण, उस कोलाइड के कारण, उस कोलिजन के कारण ही क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो प्रतिरोध उत्पन्न होने का क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन और जो अणु होता है, एटम्स होते हैं, आपस में टक्कर खाते हैं, कोलिजन करते हैं, और इसी कोलिजन के कारण क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मात्रक जो मात्रक है, मात्रक क्या होता है, ओम होता है। मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है ओम को। और प्रतिरोध से रिलेटेड अब बातें जानी है तो प्रतिरोध से और रिलेटेड बात होती है, प्रतिरोध जो होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिन पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स डिपेंड ऑन डिपेंड्स फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस RESISTANCE। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, कारक जिस पर रेसिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है, कौन कौन से कारक होते हैं। पहला कारक होता है लंबाई, लेंथ, लेंथ होता है। जो रेसिस्टेंस होता है लंबाई के क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर किसी चालक है, अगर किसी तार है, उस तार की, चालक की तार की लंबाई को अगर दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो भी दोगुना हो जाएगा। अगर चार गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का सीधा अनुपाती होता है। अगर लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, अगर लंबाई चार गुना कर दी जाए तो चार गुना हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ। दूसरा जो होता है, दूसरा जो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ऑफ एरिया। इसका मतलब ये है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। यानी आर जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया ए। यानी अगर किसी तार है, चालक है, चालक की क्षेत्रफल को, एरिया को अगर दोगुना कर दिया जाए, टू टाइम्स कर दिया जाए, तो उसका जो प्रतिरोध होगा कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। अगर एरिया को क्या किया जाए, एरिया टू टाइम्स कर दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उल्टा होता है, हाई दो तो हाई 1/2, हाई 3 गुना तो हाई 1/3 गुना, हाई 4 गुना तो 1/4 गुना, हाई 4 रख दीजिएगा तो 1/4 ना हो जाएगा। तो ये होता है। और तीसरा जो फैक्टर्स होता है वो टेम्परेचर होता है, यानी तापमान, टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान का उल्टा अनुपात होता है रेसिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का। अगर तापमान बढ़ता है तो जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध घटता है, अगर तापमान घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, उल्टा अनुपात होता है। और चौथा होता है पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस,
नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस होता है यानी पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति पे भी पदार्थ जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चालक है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, अगर कोई मिश्र धातु है तो उसका एलॉय जो है, एलॉय का जो प्रतिरोध होगा वो चालक से ज़्यादा होगा। अगर जो अगर मान लीजिए कि कोई कुचालक है, इंसुलेटर है, तो उसका प्रतिरोध चालक और मिश्र धातु दोनों से ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा उसमें। और सबसे ज़्यादा होने की वजह से जो कुचालक होते हैं उन्हें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाती है। तो यहाँ से प्रतिरोध हुआ, रेसिस्टेंस हुआ। रेसिस्टेंस, उम्मीद करते हैं कि रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको रेसिस्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसमें क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध और जो प्रतिरोध है यानी प्रतिरोधकता और जो प्रतिरोध है उसमें एक छोटा सा अंतर है। वो क्या अंतर है? कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो बदलते रहता है। अगर वो एक ही प्रकार की धातु से, एक ही प्रकार के जो तत्व है, एक ही प्रकार के तत्व से अगर बना है तो उसका प्रतिरोध बदलेगा। अगर उसकी लंबाई घट जाती है, बढ़ जाती है, क्षेत्रफल घट बढ़ जाता है तो उस स्थिति में उसका प्रतिरोध बदलेगा। लेकिन जो प्रतिरोधकता होती है वो प्रतिरोधकता नहीं बदलता है। तो प्रतिरोधकता दो बातों पर निर्भर नहीं करती है। वो क्या? पहला बात है कि जो उसका लंबाई होता है, लंबाई पे, लेंथ पे निर्भर नहीं करता है, लेंथ पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरा जो होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, इस पर भी निर्भर नहीं करता है। इस पर डिपेंड, नॉट डिपेंड होता है, नॉट डिपेंड होता है यानी निर्भर नहीं करता है किस, इन दोनों पे कौन, विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि तांबा का तार है, इतना छोटा तांबा का तार है, इसका जो प्रतिरोध होगा उतना ही प्रतिरोध इतना बड़ा तार का होगा, चाहे कितना भी बड़ा तार क्यों ना काट लिया जाए। तो तार की लंबाई चाहे कोई ना हो, क्यों ना हो जाए, या तार का क्षेत्रफल चाहे कितना भी क्यों ना हो जाए, अगर तांबा का तार है तो उसका विशिष्ट जो प्रतिरोध है यानी जो प्रतिरोधकता है वो सेम बना रहेगा। लेकिन प्रतिरोध में अलग अलग हो जाता है। प्रतिरोध में क्या होता है? प्रतिरोध हदना बड़ा है तो एक में प्रतिरोध छोटा कम होगा, हदना बड़ा हो गया तो प्रतिरोध एक से ज़्यादा होगा। तो लंबाई और क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिरोध बदलते रहता है लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलता है। ये जो प्रतिरोधकता है ये किस पे निर्भर करता है? ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है दो चीज़ों पे। एक होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और दूसरा होता है, और दूसरा होता है नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी तापमान, तापमान और नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, इन दोनों पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है ये देखा जाए। अगर तापमान देखिए तो तापमान अगर बढ़ेगा तो किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान घटेगा तो किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता घटेगा। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोधकता घटेगा। ये तापमान के साथ प्रतिरोधकता का संबंध होता है। और जो पदार्थ की प्रकृति होती है, पदार्थ की प्रकृति का जो संबंध होता है कि अगर चालक है तो चालक का प्रतिरोधकता कम होगा, कुछ जो एलॉय है, जो मिश्रण है, जो मिश्र धातु है, उनकी प्रतिरोधकता चालक की तुलना में ज़्यादा होगी। और जो अगर मान लीजिए कि कुचालक है, इंसुलेटर है, तो उसकी प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होगी। तो ये प्रतिरोधकता है। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग और सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे।